क्या आप जानते हैं कि GTA 5 में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, और आईफोन में जो सीरी है उसे असलियत में एंड्रॉइड के लिए बनाया गया था। ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल ट्रीटो में, जिसमें हम जानेंगे ढेर सारे अमेजिंग फैक्ट्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर आप कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं तो आपने GTA 5 का नाम तो जरूर सुना होगा। GTA 5 में तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। ये तीनों कैरेक्टर्स हैं ट्रेवर, माइकल और फ्रैंकलिन। इन तीनों कैरेक्टर्स को लाइफ देने के लिए गेम में एक डमी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया गया, बल्कि रियल लाइफ में ये तीनों एग्जिस्ट भी करते हैं। ये देखिए, ये है स्टीवन ऑग और इन्होंने ट्रेवर का रोल अपनाया था GTA 5 में। ये है शॉन फॉन्टेनो और इन्होंने फ्रैंकलिन का किरदार निभाया था। ये है नेड ल्यूक और इन्होंने माइकल का किरदार अपनाया था। GTA 5 ना कि सिर्फ अपने ग्राफिक्स और गेम प्ले की वजह से, बट मेन ये जो तीन कैरेक्टर्स हैं इनके वजह से सक्सेसफुल हुआ था। डेली लाइफ में YouTube पर ढेर सारे वीडियोस अपलोड होते हैं और YouTube के बहुत सारे यूजर्स भी हैं जो कि इन वीडियोस को देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि YouTube का जो सबसे पहला वीडियो था वो कौन सा था? ये देखिए, YouTube का जो सबसे पहला वीडियो था वो ये था, और इसे YouTube के क्रिएटर जावेद करीम ने बनाया था। ये वीडियो सिर्फ 19 सेकंड का है और इस वीडियो पर भी मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज पहुंच चुके हैं। इस वीडियो का टाइटल है मी एट द जू और इस वीडियो को 23 अप्रैल 2005 को अपलोड किया गया था। भारत में बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है और बहुत सारी कंपनी आपको भी कॉल करती होगी कि आप क्रेडिट कार्ड ले लें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड में ये जो नंबर होता है, जो सबसे पहला डिजिट होता है, उसका एक सिग्निफिकेंस है। वो जो सबसे पहला डिजिट होता है वो बताता है कि किस कंपनी ने इस क्रेडिट कार्ड को इशू किया है। अगर ये जो सबसे पहला डिजिट है ये 1 और 2 है तो ये एयरलाइंस वाली कंपनी ने कार्ड इशू किया है। अगर 3 है तो ये ट्रेवल एंड एंटरटेनमेंट वाली कंपनी ने इस कार्ड को इशू किया है। अगर ये 4 या फिर 5 है तो बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इस कार्ड को इशू किया है। और ये जो काउंटिंग है, ये जो डिजिट है, ये 9 तक जाता है। तो अगली बार जब आप क्रेडिट कार्ड को देखें तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड को किस तरीके की कंपनी ने इशू किया है। आपने निंटेंडो गेमिंग के बारे में तो सुना होगा। निंटेंडो एक गेमिंग कंपनी भी है जो कि इस तरीके के गैजेट्स को बनाती है जिसमें आप गेम्स खेल सकते हैं। निंटेंडो अपने इलेक्ट्रॉनिक वीडियो गेम्स के लिए बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। बहुत से लोग इसे गेमिंग कंसोल के लिए भी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, इतने एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्राफिक्स नहीं हुआ करती थी, तब निंटेंडो प्लेइंग कार्ड्स बनाया करते थे और इनके प्लेइंग कार्ड्स दुनिया भर में चलते थे। लेकिन आज भी ये अपने प्लेइंग कार्ड्स जापान में बनाते हैं और वहां पर एक टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज होता है। उस टूर्नामेंट का नाम है निंटेंडो कप, और जो भी इस निंटेंडो कप टूर्नामेंट में फर्स्ट आता है तो उसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जिसमें से कि जो सबसे पहला है वो है $10,000 का बॉन्ड, 40 इंचेस का रियर प्रोजेक्शन टेलीविजन, और सबसे ज्यादा खास गोल्ड प्लेटेड मारियो ट्रॉफी। आफ्टर ऑल मारियो भी निंटेंडो का ही गेम है। अगर आप एप्पल चलाते हैं तो आपने सीरी का नाम तो सुना ही होगा, आपने यूज भी किया होगा, और जो लोग एप्पल नहीं भी चलाते ऑब्वियसली उन लोगों ने भी सीरी का नाम सुना होगा। लेकिन जो एप्पल है उसमें ये जो सीरी है ये इसका बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन नहीं था। इसके पीछे एक स्टोरी है, चलिए उस स्टोरी को समझते हैं। 2009 में अमेरिका की एक स्टार्टअप कंपनी ने सीरी को बनाया था और वो लोग एक डील साइन करने के लिए गए वेरिजन कंपनी के पास। उसमें वेरिजन कंपनी ने इस डील को साइन किया और उन्होंने बोला कि जितने भी एंड्रॉइड फोन्स होंगे उसमें ये सीरी एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट आएगा। वेरिजन कंपनी ने बहुत सारे कमर्शियल्स, बहुत सारे एड चला दिए, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर दिए सीरी के ऊपर। लेकिन गजब तो तब हो गया जब एप्पल ने इस सीरी को खरीद लिया 2010 में, और उसके बाद सीरी एंड्रॉइड का ना होकर एप्पल का बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन बन गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सी यू सून।